आज के इसमें फिल्म इस बज़म में हम बात करेंगे मौत के खौफ की। वाजिफ अली वाजी साहब फरमाते हैं, मौत से ज़्यादा खौफनाक शायद मौत का डर है। जैसे जैसे ज़िंदगी का शौर बढ़ता है, ज़िंदगी से मोहब्बत बढ़ती है, मौत का खौफ भी बढ़ता है। जिसको ज़िंदगी से मोहब्बत हो उसे मौत से खौफ आता है। जब इंसान के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाए तो उसकी हालत अजीब हो जाती है, ऐसे जैसे कोई इंसान रात के अंधेरे से भागना चाहता है। कहते हैं एक आदमी को मौत का खतरा और खौफ लाहक हो गया, वो भागने लगा तेजी से और तेज। उसे आवाज़ आई, मौत तेरे पीछे नहीं तेरे आगे है। वो आदमी फौरन मुड़ा और उल्टी सिम दौड़ने लगा। आवाज़ आई, मौत तेरे पीछे नहीं तेरे आगे है। वो बोला, ये अजीब बात है, पीछे को दौड़ता हूँ फिर भी मौत आगे है, आगे को दौड़ता हूँ फिर भी मौत आगे है। इसलिए मौत का खौफ ना करो। मौत का खौफ इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीजों से जुदा हो जाएंगे। अजीज़ों को तो हम ज़िंदगी में ही जुदा कर देते हैं। बेटियों की रुख्सत के लिए कितनी दुआएं करते हैं हम। साहबे तसीरे से बुजुर्ग को कहते हैं जो हमारी बेटियों की रुख्सत करा दे, और साहबाने तसीर हैं कि जुदाइयों के लिए भी दुआ नहीं करते, क्योंकि जुदाई तो आखिर होनी है। एक आदमी का बाप फोत हो गया, वो बड़ा परेशान हुआ। मौत ने बड़ा जुल्म किया, ऐसे चैन ना आया। इसके गुरु ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों होते हो, कुछ दिनों ही की तो बात है, तुम अपने बाप के पास पहुंचा दिए जाओगे। बस यही मौत का राज है, यह ज़िंदगी का राज कि हम कुछ अरसा अपनी औलाद के पास रहते हैं और फिर अपने माँ बाप से जा मिलते हैं। डर किस बात का। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।